तो ये जो आप थाली देख रहे हैं भाई, ये अनलिमिटेड है और वो भी सिर्फ 1 रुपए में। No! 1000 तकरीबन होनी चाहिए, लाइक 100-150 अराउंड इतना ही होगा। 1 रुपी। 1 रुपी। 1 रुपी बस कर दे। हाँ, 1 रुपी। सीरियसली? अच्छा। क्यों हिला डाला ना? नॉट बिलीवेबल। वाह भाई वाह। अनबिलीवेबल। वाह भाई वाह। अनबिलीवेबल नहीं हो सकता है। पता नहीं की कीमत कितनी होगी। ऑलमोस्ट 700 समथिंग और 800। हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 के अंदर अंदर। वाह भाई वाह। इन्हें पता कितने की मिल रही है? कितनी? 1 रुपए। क्या 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 बोला? 1 रुपए। 1 रुपए। 1 रुपए। हाय हाय। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। और वही बात करें हम हमारे भारत की, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रुपए में मिल रही है थाली। तो जश्न मनाया जाए, जिसको देखकर पाकिस्तानी ललचा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों की टपकती लार हमारे खाने पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर इंडियन में मिल सकती है तो फिर चल के खा लेनी चाहिए। यहाँ पे तो 1 रुपए में अब टॉफी भी नहीं मिलती है। देख रहे हो आप कितना डिलीशियस खाना है। बहुत ज्यादा, मतलब वैरायटी कितनी ज्यादा है। यहाँ पे तो इस तरह की एक थाली भी 1000 में तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेस जितनी इसमें आ गई है। इसमें आ गई। यहाँ पे पनीर बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना, तो यकीन करें मुझे तो वीजा ले दे इंडिया का, ठीक है। अगर इंडिया जाने का मौका मिले तो क्या डिसीजन होगा? मैं जाना पसंद करूंगी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, क्या विजिट करेंगी, क्या खाए पिए? अच्छा, मुझे वहाँ पे वो इनका पाव भाजू टाइप कुछ है, वो है। वो मुझे एक है, एक उनका वो राजमा चावल है वो बहुत ज़्यादा, वो या मकई की रोटी वगैरह साग। अच्छा, इंडियन फूड ब्लॉग्स देखती हैं? हाँ, मैं देखती हूँ, लेकिन इतने शौक से, लेकिन मैं देखती हूँ ऐसी रील्स वगैरह में तो इंडियन फूड वगैरह। उनकी पानी पूरी और पानी पूरी। एक्चुअली ये इंडियन थाली है। हाँ, और प्योर वेजिटेरियन है। बिल्कुल। तो अगर ये लंदन में होती, ये थाली कितने की है पाकिस्तानी रुपीस में? अगर हम किसी लोकल रेस्टोरेंट की बात करें तो अराउंड 1200-1300 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अगर हम थोड़े हाई वाले रेस्टोरेंट्स की बात करें तो अराउंड 2400-2500 का ये प्लेटर बनता है। ये प्लेटर बनता है। और इंडिया में आप पता है कितने का है? नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन पता लगाएं कितने का होगा। लाइक 100-150 अराउंड इतना ही होगा। 1 रुपी। 1 रुपी। 1 रुपी बस कर दे। हाँ, 1 रुपी। सीरियसली? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतना अच्छा, इतना हेल्दी खाना गरीब भी खा रहे हैं, अमीर भी खा रहा है, मिडिल क्लास भी वाला भी खा रहा है, जॉब वाला भी खा रहा है, 1 रुपया दो और अनलिमिटेड, लिमिट भी कोई नहीं, अनलिमिटेड। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए इस तरह। हाँ। तो लेकिन नहीं है, क्या करें, अफसोस से। तो बहुत सी चीजें हैं जो हम कहते हैं पाकिस्तान में होनी चाहिए। होनी चाहिए लेकिन नहीं है, क्या करें, अफसोस है इस चीज का, नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब भी मैं ऐसे वीडियो देखती हूँ मुझे समझ में नहीं आता यार, ये पाकिस्तान बना क्यों था? इनके नेताओं को जाकर प्रॉपर्टी बनानी होती है लंदन में। हाँ। इनकी लड़कियों को आना होता है हमारे भारत में। हाँ। इनके मौलानाओं को जाना होता है जन्नत में भैतरूरों के पास। हाँ। तो साला ये पाकिस्तान बना क्यों था, अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए? तुम सब पाकिस्तान में ही अच्छे लगते हो, वही रहो, दुनिया के किसी भी कोने में पाकिस्तानियों की कोई जरूरत नहीं। अजीब लोग है ना ये। 1000 तकरीबन होनी चाहिए इसकी। नहीं, आपका तुक्का बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान में 1000 से ऊपर मिलेगी, लेकिन दिल्ली के अंदर ये थाली 1 रुपए में मिल रही है। आई कैन बिलीव। Yes, it's true. There must be any, मतलब कि उसमें कोई मुकाबला होगा to win, to get it for 1 rupees. ये एक selling point है जिसमें जो मौशे के कोई भी लोग किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं वो 1 रुपया दें, अनलिमिटेड खाएं, घर भी पैक करवा के लेके जाएं। तो इनकी ये कोई चैरिटी होगी फ्रॉम मंदिर और देयर यू नो पूजा? पर्सन ने खुद किया और उसके साथ जैसे आप और हम मिलते चले गए, और उनका मिशन ये है कि इंडिया में कोई भूखा नहीं सोएगा। सो चैरिटी हो गया ना पर्पस, तो आई एग्री 1 rupee इज फेयर एनफ। अच्छा, और यहाँ पे भी होना चाहिए, इसी पॉइंट पे यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अमीरों की कोई कमी तो नहीं है? यू आर राइट। और ना यहाँ पे की भी कोई कमी नहीं है।
दोनों ही इक्वल है 50-50। 50-50 मतलब अगर 50 मिडिल क्लास है तो 50 बैगर्स है। ट्रू, आई एग्री। हलवा, समोसे, दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सब कुछ एक रुपए में। नॉट बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल नहीं हो सकता। एक रुपए में नहीं हो सकता, जितनी इन्फ्लेशन चल रही है आजकल हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इंडिया में, दिल्ली के अंदर तो एक रुपए में ये सारे इतनी बड़ी थाली दी जा रही है जिसमें रोटियां भी और अनलिमिटेड फूड। वो कोई वेलफेयर वाले होंगे जो लोगों को दे रहे होंगे, फ्री में फूड दे रहे होंगे। आम बंदा है जो लोगों के वेलफेयर के लिए एक रुपए में फूड जो है गरीबों को डोनेट कर रहा है। आप पैर भी ले जा सकते हैं, आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। तो मैम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से अमीर लोग रहते हैं, इस तरह के काम वहाँ पे तो एक बंदे ने शुरू किया और सब उसकी मदद करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ही चलेगा, ये हमारा काम नहीं है। तो नेकी तो कोई भी कर सकता है यार। ये सब मिल रहा है हमारे भारत में और ये रिपोर्टर शाइबा इतनी खुश क्यों हो रही है और इतना 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 के क्यों बता रही है? मुझे हजम नहीं हो रहा थोड़ा, ये मतलब कुछ ज्यादा ही खुश हो रही है यार। तुझे कुछ नहीं मिलने वाला बहन। ऐसा ही है बिल्कुल, जो भी अफोर्ड कर सकता है उसको करनी चाहिए नेकी, जितनी आपकी कुवत हो, जितनी आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए लोगों के लिए। एक रुपए में खाना तकसीम करने का मकसद उनका ये है कि हमारी कौम भिखारी ना बने बल्कि उनके अंदर ये प्राउड हो कि हमने पैसे दे के खाना जो है वो खरीदा है। बिल्कुल ऐसे ये है। सोच हम में क्यों नहीं डेवलप होती? हम किसी को 150 दे देते हैं लेकिन सोच तो वही भिखारी वाली है ना। सोच हम में डेवलप है, काफ़ी लोगों में है भी और काफ़ी लोगों में होनी चाहिए भी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनमें होनी चाहिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों में है, बस अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं। 1947 की अगर बात करें तो पाकिस्तान बनता है, इंडिया आज़ाद होता है, तो वो कहाँ पहुँच चुके और हम कहाँ? हम मुझे लगता है अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं, हमें शायद फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत सस्ता है, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। अगर आप जाहिर आप लंदन से हैं तो कंपैरेटिवली प्राइस आपको कम लगेगा। लंदन में कभी किसी इंडियन से मुलाकात हुई आपकी? यस, आई एम फैशन डिजाइनर, सो माय मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स मेरे बहुत ज़्यादा वो सिंग्स हैं और इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो फैशन पे बहुत पैसा लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनका पैसा गोश्त पे खर्च नहीं होता। बिलीव मी इट इज़ अमेजिंग, सो आई हैव। लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं अभी तक। वो वेलफेयर का काम करें, एक रुपए में थाली दे रहे हैं और इसके ऊपर कोई बैन नहीं है कि इसको मिलेगा इसके। जैसे हमारे यहाँ कोई स्कीम या कोई एनजीओस काम करती है तो अपना आईडी कार्ड दो, घर तक आते हैं, पता नहीं एक रुपए थाली आप डिजर्व करते हो नहीं, वहाँ पर रोड पे रेस्टोरेंट है आप जाओ खाओ। तो ये वेलफेयर काम इंडियंस करते हैं, पाकिस्तान भी बड़े रिच है तो हमारे अंदर इतना पैशन क्यों नहीं है इंसानियत को सर्व करने का? जो मेन पॉइंट ये है ना कि पाकिस्तान में सच्चाई नहीं है, ठीक है, बेईमानी बहुत है, ठीक है, पाकिस्तान में बेईमानी बहुत है, ठीक है। लाइक पाकिस्तान में अगर हम किसी को, गरीब को अगर हम कुछ देते हैं ना तो वो झूठ बोल के उसका डबल यूज मिस यूज भी करता है उस चीज़ का। तो जिस वजह से पाकिस्तान में मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ का रेट कम है इस वजह से। अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो फूड मार्केट देखिए तो इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं। आप इंडिया के बारे में क्या राय रखती हैं, अगर आपको जाने का मौका मिले क्या एक्सप्लोर करेंगी? वो हमारे जैसा ही कंट्री है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स पहले हम सब हम एक साथ ही थे, मानते हैं हम एक साथ थे। फूड काफ़ी रिजेंबल करता है, इंडियन फूड को हम भी पसंद करते हैं और हमारे फूड को वो लोग भी पसंद करते हैं, काफ़ी रिजेंबलेंस है। तो जाने का मौका मिलेगा जाऊंगी तो नहीं, लेकिन क्यों, घूमने फिरने तो जाना चाहिए। आप खुद ही कह रहे हो हम जैसे ही, वो क्या पता हमें एक्सेप्ट करे ना करे, हम तो अच्छे हैं ना, हम तो एक्सेप्ट दे दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अगर वीजा दे दिया तो फिर ठीक है, एक्सेप्टेंस है तो चले जाएंगे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। देखा कैसे ये पाकिस्तानी आज भी वही के वही खड़े हैं। इन्होंने जीरो ग्रोथ की है, इन्होंने कुछ नहीं बनाया सिवाय बोल बच्चन करने के। बोल बच्चन करवा लो इनसे बस, और अगर बॉर्डर खोल दिए जाए ना तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी भारत आ जाए, कहते हैं चले मान लेते हूं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई।